finishes off in style. जोगिंदर शर्मा, यह नाम सुनते ही आप सीधे साल 2007 के T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर इस पहले ट्रॉफी को अपने नाम किया था। जहां इस मैच में पहली बार कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी ने कामयाबी के नए बुलंदियों को छुआ, वहीं इस मैच के स्टार रहे जोगिंदर शर्मा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद उनको एक भी मैच खेलना नसीब नहीं हुआ। किस तरह से वह एक्सीडेंट में मौत के मुंह से बाहर निकले, साथ ही एक ही रात में इतनी शोहरत बटोरने के बाद वह कहां गुम हो गए और आजकल वह क्या कर रहे हैं, यही सब देखेंगे हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं वन मैच वंडर बॉय जोगिंदर शर्मा के पूरे जिंदगी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। जोगिंदर शर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1983 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। वहीं से उनकी बेसिक एजुकेशन हुई और साथ ही वह क्रिकेट भी खेलते रहे। जोगिंदर शर्मा दाहिने हाथ से तेज गेंद फेंकते थे और इसके साथ ही वह अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते थे। इसी वजह से हरियाणा के रणजी टीम में उनका सिलेक्शन एक ऑलराउंडर के तौर पर हो गया था। यह साल 2002 चल रहा था जब जोगिंदर शर्मा ने रणजी ट्रॉफी में हरियाणा के लिए खेलते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ अपना डेब्यू किया। उस मैच के एक इनिंग में वह 81 रनों की पारी खेले और साथ ही पूरे मैच में 84 रन देकर 11 विकेट भी अपने नाम किए। यह एक शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन था जिससे जोगिंदर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनका वह सीजन कमाल का रहा था और साथ ही आगे भी रणजी में खेलते हुए वह बेहतरीन प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसके बाद वह दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए वेस्ट जोन के खिलाफ 59 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे। ये कुछ ऐसे प्रदर्शन थे जो जोगिंदर शर्मा को टीम इंडिया के नेशनल साइड का रास्ता दिखा रहा था। इसके बाद साल 2003 में उनको इंडिया ए टीम में चुना गया, जिसमें इस टीम को नेशनल क्रिकेट टीम के साथ एक मैच खेलना था। बेंगलोर में खेले गए उस मुकाबले में जोगिंदर शर्मा ने राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह जैसे दिग्गज को आउट करके यह बता दिया कि उनको अब ज्यादा दिनों तक नेशनल साइड से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जोगिंदर शर्मा का नेशनल साइड से बुलावा भी आया। 23 दिसंबर 2004 को वह वनडे इंटरनेशनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह वही मैच था जिससे महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने इंटरनेशनल करियर में डेब्यू किया। यह बात जानकर आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा कि इस मैच में जहां धोनी 0 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं जोगिंदर शर्मा ने 2 गेंदों पर नाबाद 5 रन बनाए थे, जिसमें एक चौका और एक सिंगल था। किस्मत का यही वो फेर था जो जोगिंदर शर्मा को पहले धोनी के बहुत करीब और फिर धोनी से बहुत दूर ले जाने वाला था। जोगिंदर शर्मा के हिस्से में इस सीरीज के तीनों वनडे मैच आए और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ जनवरी 2007 में वो अपने करियर का चौथा और आखिरी वनडे मैच खेले। लेकिन इस दौरान वह घरेलू सीरीज में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से लगातार सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। यही वजह रही कि जोगिंदर शर्मा को साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले पहले T20 विश्व कप के लिए चुन लिया गया। वहां पर भी जोगिंदर को लगातार मैचों में नहीं खिलाया गया, फिर भी फाइनल में उसने अपने लिए जगह बना ही ली। T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के पीछे उनके ऊपर धोनी का वह भरोसा था जो जोगिंदर शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में जीता था। उस मैच के आखिरी ओवर से पहले जोगिंदर शर्मा 2 ओवर्स की गेंदबाजी में 31 रन लुटा चुके थे। धोनी का उनके ऊपर भरोसा करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर थे माइकल हसी, जो किसी भी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ सकते थे। उस ओवर के पहले 2 गेंदों को बीट करने के बाद तीसरी गेंद पर उसने हसी को आउट कर दिया और फिर 5वें गेंद पर ब्रेटली को बोल्ड मार दिया। पूरे मैच में विकेट ना लेने वाले जोगिंदर ने आखिरी ओवर में 2 विकेट निकालकर जीत को इंडिया के झोली में डाल दिया और अब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने जा रही थी। धोनी का यही भरोसा फाइनल में भी कायम रहा जब पाकिस्तान को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और मिसबाह उल हक विकेट पर टिक कर बल्लेबाजी कर
कर रहे थे। वाइड और डॉट बॉल के बाद मिसबाह ने जब छक्का लगाया तो पूरा भारतीय खेमा चिंतित हो उठा, लेकिन अगले ही बॉल को स्कूप करने के चक्कर में मिसबाह ने श्रीसंत को कैच थमा दिया। इंडिया विश्व कप जीत चुका था, जोगिंदर शर्मा इसके हीरो रहे थे, लेकिन उस हीरो को उसके बाद कभी भी नेशनल साइड में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि इसके बाद वो हरियाणा के लिए घरेलू सीरीज में कप्तान के तौर पर खेलते रहे। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तब जोगिंदर को चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के साथ लिया गया। वह साल 2012 के सीजन तक उस टीम के साथ रहे और सिर्फ 16 मैचों में ही वो खेले। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स दो बार चैंपियन बनी और जोगिंदर शर्मा टीम के साथ रहे। साल 2011 के नवंबर महीने में जोगिंदर शर्मा का दिल्ली में कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके सर में काफी चोटें आई थी, जिसके बाद वह फिर कभी क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए। अगर अभी की बात करें तो विश्व कप जीतने के बाद ही हरियाणा सरकार ने उनको पुलिस की नौकरी दे दी थी, इसीलिए जब वो क्रिकेट फील्ड पर नहीं जा सके तो अपने पुलिस की नौकरी में चले गए। आज के तारीख में वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में डीएसपी के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। डीएसपी रहते हुए उनका स्टारडम आज भी बरकरार है और कई लोग तो बस उनको देखने के लिए ही उनके ऑफिस में चले आते हैं। जोगिंदर शर्मा की शादी हो चुकी है और उनके दो बेटे हैं। पूरे परिवार के साथ वह हरियाणा में ही रहते हैं। तो यही थी जोगिंदर शर्मा की पूरी कहानी, जिसे क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने साल 2007 के T20 विश्व कप के बाद शायद भुला दिया, लेकिन हम जैसे क्रिकेट के कीड़े ऐसे हीरोज को कभी नहीं भूलने वाले हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डीएसपी जोगिंदर शर्मा के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें, आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।